द्वारका मर्डर केस में बड़ा खुलासा। अलमारी में कैद लाश की क्या है सच्चाई? आरोपी की तलाश में 1400 किलोमीटर तक चली पुलिस। हेलो सर, मेरी बेटी का मर्डर हो गया है। मुझे शक है उसके लिव इन पार्टनर ने उसकी हत्या की है। इस कॉल के बाद तो जैसे दिल्ली के द्वारका पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस द्वारका के राजपुरी इलाके में पहुंची। यहां के एक फ्लैट की तलाशी ली गई तो स्लाइडिंग दरवाजे वाली एक बड़ी अलमारी में एक लड़की बैठी हुई थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी बल्कि वो मुर्दा बन चुकी थी। लाश की हालत देख पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि उसकी बॉडी पर चोट के गहरे निशान थे जिससे उसका जिंदा रहना मुश्किल था। लड़की की पहचान उसके पिता ने रुखसार उर्फ रिया के रूप में की, जिसे उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतारा और उसे बैठी हुई अवस्था में अलमारी में लॉक कर वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने आरोपी को 5 दिन तक तलाश करने के बाद आखिरकार राजस्थान से धर दबोचा। 3 अप्रैल को करीब 10:30 बजे एक कॉल आती है कि मेरी बेटी का विपल नाम के व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है। इमीडिएटली हमारी वहाँ पर PCR वैन और थाने का स्टाफ पहुँचता है, साथ ही साथ SHO ACP सभी पहुँचते हैं और मौके पर जाकर देखते हैं कि एक रुखसर इलियास रिया नाम की लड़की है जो कि अलमीरा में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस पर तुरंत केस रजिस्टर करके FSL क्राइम टीम को बुलाकर, FSL की टीम को बुलाकर उस मौके का इंस्पेक्शन किया जाता है। साथ ही साथ जो आदमी जो एब्सकॉन्डिंग था उसके लिए टीम्स बना के इमीडिएटली हमने काम पर लगा दी थी। इसमें ACP ऑप्स के अंडर इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ कमलेश, इंस्पेक्टर सुभाष एंटी नारकोटिक सेल का इंचार्ज, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनकी टीम ने मेहनत की है। हमने CCTV फुटेज से देखा कि जो एक्यूज्ड है वो निकल कर एक गाड़ी से भाग रहा है। हमारे पास इनिशियली कोई क्लू नहीं था, हमारे पास किसी तरीके का टेक्निकल इनपुट भी नहीं था क्योंकि ये लड़का जो है ये स्वीडन का नंबर यूज़ करता था जो बाद में हमें पता चला, और केवल VPN या WhatsApp के थ्रू यूज़ करता था। तो इसमें लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास इसका पीछा किया गया है और डेडिकेटेड टीम्स ने 2 रातें लगातार पीछा किया है। साथ ही साथ हमारी एक टीम गुजरात भी पहुंची थी जो कि पता चला था कि ये गुजरात में भी कई केसेस में वांटेड है और कई केसेस में इसके केसेस चल रहे हैं। ये विपल टेलर जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि इस पे दिल्ली में भी 2 केसेस रजिस्टर हैं, एक NDPS का केस रजिस्टर है और साथ ही साथ एक हरिनगर पुलिस स्टेशन में 307 के केस में भी ये पैरोल जंप करके भागा हुआ था। तो सारी टीमों ने बहुत ही एफर्ट करके 1400 किलोमीटर को चेस किया। इसमें बहुत सारे मैनुअल और टेक्निकल इनपुट्स का यूज़ हुआ, बट क्योंकि ये ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो इसको अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स करने के बाद फाइनली हमने इसको पकड़ लिया और इस केस को वर्कआउट करा। आपको बता दें कि ये मामला 4 अप्रैल को सामने आया, लेकिन एक दिन पहले ही मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 26 साल की बेटी गायब है और आरोप लगाया कि उसके लिव इन पार्टनर विपुल ने उसकी हत्या की है। इसके अलावा पिता ने पुलिस को ये भी बताया कि रुखसार की शादी फरवरी 2017 में मोहम्मद मोहसिन नाम के युवक से हुई थी और दोनों गुजरात में रहते थे। फिर दोनों साल 2024 के फरवरी महीने से दिल्ली के द्वारका इलाके में लिव इन में रहने लगे। पुलिस की माने तो जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या के समय विपुल घर में ही मौजूद था और रात करीब 9 बजे अपनी गाड़ी से निकल गया। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया, तभी पुलिस को पता चला कि विपुल ने सोहाना से मुंबई एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पार किया है। इसके बाद पुलिस की एक टीम को कार का पीछा करने के लिए भेजा गया। टीम ने दिल्ली से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक विपुल की कार का पीछा किया। वो इतना शातिर था कि बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए रास्ता बदल रहा था।
इसी दौरान आरोपी विपुल की कार का एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट भी लगी। पुलिस को जानकारी मिली कि उसे एम्बुलेंस से भिलवाड़ा ले जाया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल पहुंचकर पुलिस हैरान रह गई। वहां जाकर पुलिस को पता चला कि मर्डर का आरोपी विपुल अस्पताल में इलाज करवाने के बजाय पुलिस को एक बार फिर से चकमा देते हुए सूरत जाने वाली एक एम्बुलेंस में सवार हो गया है। इसके बाद भी पुलिस ने हार नहीं मानी और 1400 किलोमीटर तक विपुल का पीछा किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी विपुल ने पुलिस को बताया कि उसकी और रुखसार की मुलाकात सूरत के एक स्पा सेंटर में हुई थी, जिसे रुखसार ही चला रही थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि रुखसार के कहने पर उसने रुखसार को 7 लाख रुपए फ्लैट खरीदने के लिए दिए थे। वो उससे और भी पैसों की मांग कर रही थी ताकि फ्लैट की बाकी ईएमआई चुका सके। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, वो शादी के लिए भी लगातार दबाव बना रही थी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आरोपी विपुल ने अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। रुखसार नशे की हालत में थी, उसी बात का फायदा उठाकर आदतन अपराधी विपुल ने अपने ही प्यार का अपने हाथों से गला घोंट दिया और लाश को अलमारी में छिपाकर वहां से फरार हो गया। फिलहाल विपुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर विपुल कई हैरान करने वाले खुलासे कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।